नवनियुक्त मंत्री आज पीएम मोदी के साथ पहली कैबिनेट की बैठक करने जा रहे हैं। आज पहली बैठक होगी कैबिनेट की और आज पीएम मोदी ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि अश्विनी वैष्णव ने रेल मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। अनुराग ठाकुर ने सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मुख्य राजनीतिक संवाददाता प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, यहाँ पर जो नवनियुक्त मंत्री हैं वो अपने पदभार ग्रहण कर रहे हैं, कुछ मंत्री हालांकि कर चुके हैं और आज पीएम मोदी ने पहली बैठक बुलाई है। देखिए संभव मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और काफी मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, लिहाजा जो नए नियुक्त मंत्री हैं वो आज से अपना पदभार संभाल रहे हैं। कई मंत्री जो चार्ज नहीं संभाल रहे हैं वो मंत्रालय में बैठक पहुंचे हैं, लिहाजा पूर्व सूचना के बगैर भी मंत्री दफ्तर में पहुंचे हैं और उन्होंने जो अधिकारी हैं उनको लेकर बैठक कर दी है। तो एक एक्शन में दिखाई देते हैं नवनियुक्त मंत्री आपने नए पदभार को लेकर, और इसीलिए कई मंत्रियों ने पदभार भी संभाल लिए हैं। लिहाजा आज काफी गहमा गहमे वाला दिन है। इसके अलावा अगर देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नवनियुक्त मंत्रियों की पहली कैबिनेट की है शाम 5 बजे। इसके अलावा मंत्रिमंडल परिषद की बैठक भी होनी है जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री शामिल रहेंगे। तो ये जरूर है कि पहली बैठक होगी जबकि नवनियुक्त मंत्री जिन्होंने जिनको पदभार दिए हैं देर रात में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया, जिसको क्या जिम्मेदारी मिली है, युवा मंत्री अनुभव के साथ और साथ ही जो मिश्रण बनाया गया है वो सीधे तौर पर दिखाई देता है कि नए विजन के साथ नए तेवर के साथ कैबिनेट संभालेंगे। लिहाजा कई मंत्रियों की जिम्मेदारी युवा चेहरों पर दाव लगाया गया है, 36 नए चेहरे हैं जिनको नई जिम्मेदारियां मिली है। कई महत्वपूर्ण मंत्रालय यहाँ पर बदलाव किए गए हैं, साथ ही कई पूर्व वरिष्ठ जो केंद्र में मंत्री थे उनके इस्तीफे लिए गए। तो ये जरूर दिखाई देता है कि मंत्रिमंडल वो अपने पद संभाल रहे हैं। उसके साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ करेंगे उनके आशीर्वाद संगठन लेकर एक मैसेज देने की तैयारी आज की है संभव जी। चलिए प्रदीप जी, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। और इस बीच यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मनसुख मंडाविया जो कि यहाँ पर पदभार ग्रहण कर रहे हैं, मनसुख मंडाविया को स्वास्थ्य मंत्रालय मिला है और इसी के साथ आप तस्वीरें देख सकते हैं। तो यहाँ पर अनुराग ठाकुर भी पहले पदभार ग्रहण कर चुके हैं और इसी के साथ यहाँ पर अश्विनी वैष्णव ने भी अपना कार्यभार संभाल लिया है, पदभार ग्रहण कर लिया है। कल सभी को शपथ दिलाई गई थी और इसी के साथ यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हैं मनसुख मंडाविया जो कि पदभार ग्रहण कर रहे हैं। मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। रेलवे प्रधानमंत्री जी के बहुत ही उनके विजन में बहुत बड़ा हिस्सा है और प्रधानमंत्री जी का विजन रेलवे के लिए जैसे जन जन तक ट्रांसफॉर्म हो लोगों की लाइफ, एक आम आदमी, एक गरीब, एक वंचित, एक किसान, पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति को भी रेलवे के बेनिफिट मिले, ऐसा उनका बड़ा विजन है। तो इस विजन के लिए मैं काम करूंगा और प्रधानमंत्री जी के विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, मैं उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और आशा करता हूं कि आप सबके सहयोग से इस जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से कर पाऊंगा। जितने बड़े नाम आप गिना रहे हैं उतनी बड़ी जिम्मेदारी का एहसास भी होता है, इसलिए मैंने कहा जो विश्वास व्यक्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और इस जिम्मेदारी को ठीक से निभाने का हर संभव प्रयास करूंगा। उसमें आप सबका सहयोग भी चाहिए होगा। आगे बहुत सारे अवसर आएंगे विस्तार में बात करने के, आज आप सब शुभकामनाएं देने हैं आप सबका। आपने सुना अश्विनी वैष्णव को भी और साथ में अनुराग ठाकुर को भी जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो पदभार ग्रहण कर चुके हैं, अब वो अपने काम पर लगने की पूरी तैयारी में हैं और पूरी निष्ठा के साथ कार्य करेंगे। और हमारे मुख्य राजनीतिक संवाददाता प्रदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो प्रदीप जी, यहाँ पर पदभार ग्रहण किया जा रहा है, मनसुख मंडाविया ने भी पदभार ग्रहण कर लिया है,
लेकिन इस बीच हम अगर समझें इन चीज़ों को, कुछ ऐसे चेहरे हैं जो कि पहली बार केंद्रीय मंत्री बने हैं, तो इस बीच यहाँ पर चुनौतियाँ, अगर हम बात करें चुनौतियों की, तो क्या चुनौतियाँ इनके सामने आ सकती हैं? देखिए, नया मंत्रिमंडल है, और युवा चेहरों को नई जिम्मेदारी मिली है, लिहाजा जवाबदेही बढ़ जाएगी, और जिस तरीके से पुराने मंत्रिमंडल में वरिष्ठ मंत्रियों के इस्तीफे हुए हैं, ये साफ दिखाते हैं कि परफॉर्मेंस और जो अन्य कारण है उसको बेस बनाते हुए यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। लिहाजा वरिष्ठता क्रम और या जो नॉन परफॉर्मेंस होंगे उनको रियायत नहीं मिलेगी, ये मैसेज साफ जाता है। दूसरा, नए विजन के साथ और जिस तरीके से हमने देखा है कोरोना काल में जो चुनौती रही है, सरकार की इमेज पर जो असर पड़ा, इमेज मेक ओवर भी माना जा रहा है, ये जो नया मंत्रिमंडल का गठन है, नए युवा चेहरों के साथ एक बदलाव के साथ पार्टी मोदी और वो नए विस्तार के साथ अपने मंत्रिमंडल कामकाज को गति देंगे, तो इसको समझना होगा संभव ऐसे वक्त जब चुनौतियां बनी हुई है, आर्थिक मोर्चे की बात हो या फिर राजनीतिक मोर्चे की बात हो, चुनावी मोर्चे की बात हो, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव होने हैं, इसलिए राजनीतिक समीकरण साधने खूब कवायद दिखाई दी है, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के समीकरण को साधने की कोशिश दिखाई दी है उसका मंत्रिमंडल का असर दिखाई दिया है। लिहाजा 2022 की तैयारी हो, जो सेमीफाइनल सत्ता का रहेगा, उत्तर प्रदेश का 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, इसके अलावा फाइनल राउंड की बात करें यानी लोकसभा चुनाव की, उससे पहले भी बदलाव संभव है, तो ऐसे में काफी वक्त मिलेगा नए मंत्रियों को अपनी परफॉर्मेंस अपना काम करने का, उनको ये मौका मिलेगा, लिहाजा इसकी समीक्षा की जाएगी और इसीलिए उनकी चुनौती भी बढ़ेगी। लिहाजा अगर देखें तो इस पूरे माहौल के बीच जब अन्य चुनौतियां हैं, कोरोना संकट की चुनौती है, तीसरी लहर की चुनौती है और मंत्रालयों में चुनौती है, इस बीच नए मंत्री नई दिशा के साथ नए विजन के साथ यहाँ पर कामकाज संभाल रहे हैं, साथ ही एक बड़ा मैसेज भी दे रहे हैं कि वो मंत्रालय में जो तेजी के साथ काम आगे बढ़े, जो पेंडिंग काम है उनको, जो कोरोना संकट की वजह से रुके हुए उनको जल्द से जल्द निपटाया जाए, क्योंकि इसी के लिए एक विजन के साथ एक टास्क दिया गया है नए मंत्रियों को कि वो जो जो हैशटैग चल रहा है ग्रोथ फॉर इंडिया, ये जो है ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं इसको लेकर विजन दिया गया है, इसको लेकर पूरा करने का लक्ष्य भी जुड़ते नजर आएंगे नए मंत्री युवा मंत्री के। जी प्रदीप, बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी के लिए। तो यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि जो नवनियुक्त मंत्री हैं वो पदभार ग्रहण कर रहे हैं।